हेलो सुप्रभात दोस्तों। दोस्तों आज मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन, मुझे रिजर्वेशन का पता करना था तो मैं सुबह आ गया हूँ। शायद रिजर्वेशन मुझे मिल जाए क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, वेटिंग लिस्ट चल रही है, ट्रेनें बहुत कम चल रही हैं, 80 ट्रेनें और बढ़नी थी तो इसीलिए मैं आज आ गया हूँ। शायद मुझे मिल जाए रिजर्वेशन, मुझे बाहर जाना है तो इसलिए आज मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ। सो दोस्तों रेलवे स्टेशन में कोई रौनक नहीं बची है, लॉकडाउन की वजह से पूरा खाली खाली सा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी एक ही ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में एक ट्रेन खड़ी है जो प्रयागराज की तरफ से आई है, मुंबई के लिए जा रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कितना सन्नाटा है पूरे रेलवे स्टेशन में, सभी प्लेटफॉर्म यहाँ खाली पड़े हैं। मैं अभी मानिकपुर जंक्शन पर हूँ, यहाँ से आपको सभी जगह के लिए ट्रेन मिल जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन है। सो दोस्तों चलिए हम आपको स्टेशन का भ्रमण कराते हैं और दिखाते हैं कितना सन्नाटा है यहाँ पास, और प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म हैं जो कि पहला और दूसरे पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और जाती हैं, और चौथे और तीसरे पे बहुत कम आती हैं। तो इस समय तो गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम आती हैं क्योंकि ट्रेन ही बहुत कम चलती हैं। तो और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दिखाते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले के जैसे रेलवे स्टेशनों में अब भीड़ नहीं रहती है और कोई रौनक भी नहीं बची है, क्योंकि भीड़ से ही रौनक होती है। स्टेशन पे अच्छा लगता है, अब तो एक भी अच्छा नहीं लगता, पूरा सन्नाटा है स्टेशन पे। लगता है कि कोई शमशान जगह पे चले आए हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है। और ट्रेनों का आना जाना भी बहुत कम है, बहुत कम है, और कोई ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। बस ट्रेनों का आना जाना है, सिर्फ काम चलाने के लिए ट्रेनें चल रही हैं, तो चार उन्हीं का आना जाना है बस, और कोई नहीं है यहाँ। कोई ऐसी रौनक नहीं है, ना कोई ऐसी कैंटीन है, ना कोई ऐसी सेवा उपलब्ध है जो यात्रियों के लिए हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।